पंजाब के जालंधर में बिहार यूपी व नेपाल को अवैध रूप से जाने वाली बसों का काला बाजार पुलिस प्रशासन की देखरेख में खूब फल फूल रहा है, जिसका उदाहरण जालंधर के बस स्टैंड के बाहर आम देखने को मिलता है। पंजाब सरकार के बसों के लिए बने नियमों के मुताबिक हर एक बस को बस स्टैंड के अंदर से सवारी भरना अनिवार्य होता है, परंतु कुछ ट्रांसपोर्टर्स बिहार यूपी व नेपाल के रूट पर जो बसें चलते हैं वह सरकार के सभी नियमों की सरेआम भज्जियां उड़ाकर अपनी बसों में सवारियां बस स्टैंड की बजाय शहर के अलग अलग इलाकों से सवारियां अपनी अपनी बसों में भरते हैं और साथ ही गरीब लोगों से मोटे पैसे ऐंठ रहे हैं। इन अवैध बसों को चलाने वाले ट्रांसपोर्टर सरकार की कोरोना वायरस की गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं और स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इन ट्रांसपोर्टर्स के आगे घुटने टेके बैठा है और दूसरी ओर जालंधर पुलिस आम जनता के चलान काटते थकती नहीं। पुलिस की नाक के नीचे चल रहे इस गोरख धंधे पर पुलिस नकेल कर पाएगी या फिर पंजाब सरकार की कोरोना वायरस की गाइडलाइन की धज्जियां इसी तरह उड़वा कर सरकार की मेहतन पर पानी फेरती रहेगी, इसका जवाब तो जालंधर के पुलिस कमिश्नर साहब ही दे सकते हैं। कितने पैसे दिए हैं? 2400। कितने? एक सवारी का? जी। किसको दिया है? बस वाले को। कौन है? कोई कौन सी बात है? बस अड्डे में जो है उसका बोर्ड लगा हुआ है। स्लिप रुप है भाई? स्लिप क्या नाम है? मोहम्मद सोहरा। कहाँ जा रहे हो? बिहार। कितने पैसे? 2400 रुपया। कितनी सवारी है? 7 सवारी। किसको दिया पैसा? बस वाले को दिया। कौन है नाम? नूम मालिक कौन है? नाम मालूम तो नहीं। कोई स्लिप वगैरह दी? स्लिप है उसके पास। दिखाओ। की कर दी पुलिस गाड़ी? मैं तो कोठले देनी धारा 144 का दी लाई है तुसी, ये तो दसो ना।